ये गैस कर ले जो इतना वो आपका नहीं आती बाबूजी सोच रहे हैं उसमें से प्ले स्टेशन आईपॉड मकान तुसी लेना ते बैठे हो लेना ते बड़ा मजा कर दे तुसी बाबूजी बाबलपुर दा अंडरपास पहली बारी क्रॉस ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਖੁਦਾਈ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੋੜ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੱਲ ਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੈਰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਨਜਮ ਰਾਨਾ ਤੋ ਆਜ ਹਮ ਲੈਨੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸਲ ਔਰ ਮੁਰਗੀਆਂ क्योंकि हमने बनाना है चिकन सब्जी विद स्टफ राइस। तो जी ये हैं हम भावलपुर रेलवे स्टेशन पे और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये इनका कार्गो एरिया जहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं। लेते हैं और फिर घर जाके आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। ये है जी शॉप नंबर 8। यहाँ पे आता है सारा कार्गो और बिल्टी का सामान। क्यों भाव जी बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल अंदर बहते पे हैं मकान के अंदर 8 नंबर 8 नंबर शॉप है साडा पार्सल इतने आया तो जाके कोठी है बाबू जी सोच रहे हैं उसमें से प्ले स्टेशन आईपॉड मकान खलासे खानदीन चप्स बोतल ठंडी बोतल काजू बादाम पिस्ते निकलन गए थे हूं खोलेंगे तो पता लगे लिखी खड़ी है की लिखे है दिसंबर के दिनों में छुट्टियां हैं जी वो कहते हैं जी पार्सल मिलना है आपको स्टेशन की बैक साइड पे। आपने यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा होगा अमेजोन रिटर्न DHL पार्सल्स जो 2500 रुपये kg या 3000 रुपये kg या 24 kg का बैग होता है तो वो हमने ऑर्डर किया था वो हम लेने आए हैं बाद में उसकी स्टोरी में आपको बताता हूँ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਇੱਥੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਮਨਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੜੇ ਬਰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਆ ਇਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਖੜਾ ਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਯਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨੇ ਜੀ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਆਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸਟੇਸ਼ਨ बहुत स्टेशन कार्गो सेंटर। लोग यूट्यूब पे ये पार्सल वीडियोस देख के तो बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम निकल आएंगे कोई महंगे आइटम निकल आएंगे कोई प्ले स्टेशन कोई DVD प्लेयर कोई ऐसी चीज़ निकल आएगी लेकिन असलियत क्या है वो मैं आपको अभी एंड पे बताऊँगा। और ये है बंद पटरी। बाबू जी किधर ये बनाई हुई है इन्होंने स्टेयर्स और आ गए हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। लो जी फाइनली पार्सल जो है वो मिल गया। ये था जी वो पार्सल वाला थैला जो मैंने एक ऑनलाइन सेलर से मंगवाया था 22 kg का था और 1400 रुपीज़ पर kg मुझे मिला लेकिन इसकी असलियत क्या है आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाते हैं कि इसमें से क्या क्या निकला और आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। ये जी पार्सल खोलने लगे ये निकले हैं जी हमारे पास इसको करेंगे अनबॉक्स और आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या है। भैया हाय जी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और यूट्यूब पे लोग इसको अनबॉक्स करते हैं मिस्ट्री बॉक्सेस अनबॉक्स और दिखाते हैं कि इसमें ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक सामान निकला है और लोगों को गलत गाइड करते हैं। तो मैंने ये आज पार्सल जो खोले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ और इसके अंदर क्या क्या निकला है वो आपके सामने आएगा फिर आप डिसाइड करें कि अपना पैसा आपको ज़ाया करना चाहिए या नहीं और इन पर खर्च करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये अनबॉक्स हो गए पार्सल अब हम इसको खोलते हैं और आपसे शेयर करते हैं। अब जी सर कुछ पार्सल है उनके ऊपर लिखा होता है कि क्या कंटेंट है अब ये लिखा हुआ है इसके ऊपर क्या है मुझे मैंने लिख लिया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लेट्स ओपन इट।
क्या निकलेगा इसमें? मेरे ख्याल है कोई हैंड फ्री हो, अगर ना हुई ना हुई तो फिर गैस कर ले जो निकला वो आपका मेरे पास हटा दे सकता हूँ? नहीं हाँ इसके अंदर पाउच है, पाउच है। सही गैस कर लिया वो निकला तो आपका पाउच है जी। ठीक है जी, ये लॉट मैंने मंगवाई है पूरा, अगर बैग किसी को चाहिए एज इट इज अनटच वो भी उसको मिल सकता है। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा जो अनबॉक्सिंग है वो जरा हमने फन मूड में बनाई है तो इंजॉय करेंगे। ये गोल्ड वॉच है, ये 80 रुपए का एक पैकेट बना है। अब है जी बाबूजी की बात, आपने मुझे नहीं बताना अंदर क्या है, पढ़ भी सकते हो पूरा सील है ऊपर से। ये वो आइटम है जो अपने स्टोर पे भी आप रख सकते हैं जिनके पास स्टोर है। ये आइटम वही है स्टोर पे है। ये देखिए लाइट है, मोटरसाइकिल ऑटोमोबाइल लाइट है, इसको आप गाड़ी पे या साइकिल बाइसाइकिल पे अपने बाइक पे आप लगा सकते हैं। तो जी ऐसे ही करते करते हमने काफ़ी पार्सल खोले, तकरीबन ये 400-450 पार्सल होते हैं एक 22-23 केजी के पैकेट में। तो उसमें से निकला क्या है जी, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, कोई हैंड फ्री एक दो, कुछ रिंग्स, कुछ वॉच एक दो वॉच। तो लेकिन जो 90% पार्सल था वो सारा था मास्क, कोविड रिलेटेड जो मास्क होते हैं वो मास्क का मटीरियल, फॉर्म मटीरियल और इस तरह की चीज़ें जो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेने का। लेकिन ये जो स्टोर जिनके स्टोर हैं बड़े बड़े या डॉलर स्टोर या ये वो अगर लिखते हैं अपने, उनको भी मेरे ख्याल से इसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये जो यूट्यूबर आप लोगों को दिखाते हैं सब्ज़ बाग कि हम बॉक्स ओपन कर रहे हैं मिस्ट्री बॉक्स और इसमें से ये हेयर स्ट्रेटनर निकला है, इसमें से ये ड्रोन निकला है, इसमें से ये आईपैड निकला है और ये सब बकवास है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि डोंट बाय दीज मिस्ट्री बॉक्सेस फ्रॉम एनीवन, चाहे वो यूट्यूबर बहुत मिलियंस में हो, चाहे वो कोई भी स्टोर हो ऑनलाइन। आप जो फेमस हैं जो पाकिस्तान के जो ये काम कर रहे हैं वो सब फ्रॉड है, लजाडा के, DHL के, अमेजोन के बॉक्सेस, तो मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। मैंने तो आगे सेल कर दिया था शॉप वाले को, लेकिन आप लोग लेके फंस जाएंगे तो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल।